नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारे हार्डवेयर का आगे का टॉपिक है, मतलब ट्रेसिंग का ही पार्ट है। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आपको कई सारे सिमेटिक के बारे में आपको वीडियो देंगे या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फ़ोन के बारे में समझाएंगे, ताकि कई सारे कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिसमें अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अलग अलग कितना तरीका दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, ए से लेकर जेड तक पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको सीखने को मिलता है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है। कानपुर सागर मार्केट अपना जो पड़ता है कानपुर रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट है। आप चाहें तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या दूर से जो बच्चे आना चाहें तो बिल्कुल फ़ोन करके आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने आगे वीडियो के ऊपर चलते हैं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग जो समझने वाले हैं, जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो चार्जिंग के ऊपर समझने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या, चार्जिंग का तरीका पीसीबी में क्या होता है। मैंने आपको हार्डवेयर के बॉर्नियो का जो हार्डवेयर का वीडियो है मैंने आपको दोस्तों पहले दिया हुआ था। आज हम आपको जो वीडियो देने वाले हैं वो सिमेटिक का वीडियो देने वाले हैं। सिमेटिक से पहले जो बिट मैप का जो टॉपिक है उसका मैं वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर बाय क्लियर बाय क्लियर आसानी से क्लियर हो सके। हार्डवेयर का जैसे आपने समझा है उसी तरीके से आप बिट मैप के बारे में समझेंगे और आपको सिमेटिक चलाना भी आएगा और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे बोर्ड में चेक करते हैं। पहली बात तो मैं समझा देता हूँ कि जैसे मेरे पास बोर्ड आया है इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम हमको चेक करना है, चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने से पहले हमको ये पहचानना बड़ा जरूरी होता है कि इसमें से UI कौन सा है, बैटरी कौन सा है, डिस्प्ले कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो आपका जैक लगा हुआ है ये तुम्हारा LCD का जैक है, ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये तुम्हारा जो लगा हुआ है ये मोबाइल फ़ोन में ये तुम्हारा UI का जैक लगा हुआ है। किसका जैक लगा हुआ दोस्तों? UI का। सबसे पहली बात होता क्या है कि जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हो तो नीचे UI पत्ता होता है, UI पत्ते के द्वारा सप्लाई ऊपर आती है। इसमें से अगर आप देखेंगे बात ये समझ में आती है कि सर जी इसमें चार्जिंग का पॉइंट कौन होगा। बहुत ऐसे हमारे पास स्टूडेंट होते हैं जो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, उनको लगता है कि सर जी इसमें चार्जिंग का पॉइंट कौन सा होगा। हमने आपको बोला कि जिसमें वी बस पॉइंट लिखा होता है वो चार्जिंग का पॉइंट होता है। क्या दोस्तों? मैंने बताया आपको वी बस का पॉइंट, जिसमें लिखा होता है वी बस या VCH। लेकिन इसमें से ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसमें चार्जिंग लिखा हो। तो एक बात मैं आपको और थोड़ा हिंट के लिए बताना चाहता हूँ, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जितने भी सारे ट्रैक होंगे, सारे ट्रैक में से एक ट्रैक आपका होगा जो काफ़ी स्ट्रांग होगा और मोटा होगा। देखिए जैसे ये वाला ट्रैक है और ये वाला ट्रैक है, तो ये वाला जितना भी सारा ट्रैक है ये वाला तो मेरा चार्जिंग का प्लस वी बस का ट्रैक है। तो चार्जिंग की प्लस सप्लाई पहले 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आती है, यहाँ से होते हुए सप्लाई आगे जाती है, इस कैपेसिटर से होते हुए चार्जिंग IC की पिन पे चली जाती है। ये जो तुम्हारी IC लगी है जिसको हम लोग BQ IC बोलते हैं, यानी चार्जिंग IC कहलाती है। ये BQ IC 5 वोल्ट सप्लाई अपने अंदर लेती है, 5 वोल्ट सप्लाई लेने के बाद ये सप्लाई आउटपुट निकालती है। आउटपुट निकालने के बाद मैंने आपको समझाया था ये सप्लाई हमारी दो जगह पर निकलती है। वहाँ पर निकलती है, दो जगह पर आउटपुट होते हैं। एक तो सबसे पहला जो आउटपुट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं VBAT आउटपुट, ये 4 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई होती है। दूसरा आपके जो आउटपुट होता है ये क्वाइल के माध्यम से जो आउटपुट आता है इसको 3.7 वोल्टेज आउटपुट बोलते हैं, यही आपकी VPH लाइन है। ये VPH लाइन तुम्हारे पावर ICU को एक्टिव करती है, पावर ICU को चालू करती है। ये VBAT सप्लाई तुम्हारी यहाँ पर आती है और यहाँ से होते हुए इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर IC लगी होती है, IC LVR से होते हुए ये चली जाती है बैटरी कनेक्टर के प्लस पर। तब आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से चार्जिंग का सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे पहचानेंगे? बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि सर जी नीचे का UI खराब हो गया, पत्ता खराब हो गया, तो हम लोग कहाँ से जम्पर लगाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस पूरे जैक को देखिए। इस जैक को देखने के बाद जिसमें से जो तुमको मोटा पॉइंट दिखाई दे, जो भी पॉइंट कौन सा दिखाई दे, मोटा पॉइंट दिखाई दे, जो सबसे मोटा पॉइंट दिखाई देगा वही वाला तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, VCH है, वी बस है। आप यहाँ से उठा करके यहाँ पर जंपर मार देंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग नहीं होता तो यहाँ से चार्जिंग आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकलने के बाद फिर ये IC का रोल हो जाता है, अगर IC खराब हो जाएगी तो आउटपुट नहीं होगा, उसके बाद सप्लाई चली जाती है बैटरी कनेक्टर के ऊपर।
ताकि बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अंदर अगर आईडी पॉइंट खराब हो जाता है, थर्मिस्टर का लाइन खराब हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम आएगी, तभी मैंने आपको इसके पहले वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझाया था। चलिए हम लोग इसी चीज़ को हम लोग दोस्तों देखेंगे कि बोर्ड में कैसे पहचान सकते हैं कि सिमेटिक के माध्यम से हम लोग इसी चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका आगे मैं आपको वीडियो में मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ। तो हम लोग अपने ये हमारे पास रेडमी का Y1 का मोबाइल फ़ोन है, रेडमी Y1 के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको फ़ोटो अच्छे से कैप्चर कर लीजिए। रेडमी Y1 चार्जिंग सप्लाई, रेडमी Y1 का चार्जिंग सप्लाई मैंने समझाया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसी रेडमी Y1 का हमने इस पर बिट मैप खोल लिया है। बिट मैप खोलने के बाद अंदर के जितने भी सारे ब्लॉक लाइन होती हैं वो सारी खुल जाती हैं, पॉइंट्स दिखाई देते हैं जिस पर हम लोग चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला जो मोटा लाइन आ रहा था ये आपका वीबस का लाइन था। जैसे आप इस लाइन पर सिलेक्ट करते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको रेस को ऑन कर ऑफ कर सकते हो और रेस को ऑन भी कर सकते हो। रेस ऑन करने का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो तुरंत आपको बता देगा ये लाइन कहाँ जा रही है, और अगर रेस को ऑफ कर देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो उस चीज़ को लाइन नहीं बताएगा लेकिन ऐसे पॉइंट के लुप जुप ऐसा ब्लिंक करेगा। तो ब्लिंकिंग करने से भी आप समझ जाएंगे, वो अगर रेस कर देंगे तो जो नए लोग होते हैं उनके लिए बड़ा आसानी हो जाता है। तो ये प्लस सप्लाई होती है, इन पॉइंटों से होते हुए कहाँ पर जा रही है, चार्जिंग आईसी पर जा रही है। ये तुम्हारी जो आईसी है, इस आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BQIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BQIC। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। देखें तो यहाँ से जब आप सप्लाई आप देंगे तो उसके बाद सप्लाई देने के बाद ये देखें तो जब यहाँ से आप सप्लाई देंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। ये 5 वोल्ट सप्लाई इन पॉइंटों से होते हुए कहाँ पर चली जाएगी, इस चार्जिंग आईसी पर चली जाएगी। ये चार्जिंग आईसी पर जो सप्लाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BQIC। ये BQIC क्या काम करती है, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई हमारी इन हो जाती है। 5 वोल्ट सप्लाई इन होने के बाद ये कहाँ से इन होती है, नीचे UI पत्ता से इन होती है। जैसे जो नीचे का UI पत्ता लगा होता है जिसमें आपका चार्जिंग जैक लगा होता है, चार्जिंग जैक में माइनस होता है, ये सप्लाई आपका UI पत्ते पे आती है। UI पत्ते से होते हुए, इस कनेक्टर से होते हुए पत्ते से यहाँ पर आ जाती है। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई आपकी BQIC पे इन हो जाती है। जब BQIC पे 5 वोल्ट सप्लाई इन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, BQIC अपने पास से आउटपुट निकालेगा। क्या आउटपुट निकालेगा, दो आउटपुट निकालता है। एक तो सबसे पहला आउटपुट निकालेगा जो VBAT के लिए आउटपुट होगा, दूसरा आउटपुट होगा VPH के लिए आउटपुट होगा। तो हम लोग इसको सिमेटिक में फिर आगे देखते हैं जरा बिट मैप में। उसके बाद देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पर इसको पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट किया, पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद तुरंत वो पॉइंट्स अपना ये बता देगा कि हमारी सप्लाई यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से निकलने के बाद वो सप्लाई कहाँ पर जा रही है। उसके बाद ये सप्लाई जो तुम्हारी यहाँ से होते हुए जाती है, यही सप्लाई तुम्हारे कॉइल जो लगी होती है VPH के लिए कॉइल लगी होती है। ये जो तुम्हारी जो कॉइल की सप्लाई आउटपुट होती है, ये तुम्हारी किसकी आउटपुट सप्लाई होती है, VPH की कॉइल आउटपुट होती है। आउटपुट होने के बाद जब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपको बताता है कि ये सप्लाई आपकी कहाँ कहाँ पर जा रही है। ये VPH सप्लाई जो होती है ये पूरे मोबाइल फ़ोन को आपको ऑन करेगी, पावर IC को सप्लाई देगी, PFO को सप्लाई देगी, 4G PFO को सप्लाई देगी, यानी बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सप्लाई जाती है, और सप्लाई जाने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ें काम करती हैं। देखिए कितनी जगह पर आपकी VPH सप्लाई जा रही है। तो ये जो आपका मेन लाइन मोबाइल फ़ोन का अगर देखा जाए तो सेकेंडरी आपका VPH लाइन ही होता है। तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई जो ऐसे आप अगर आप देखेंगे यहाँ से आउटपुट निकलता है, यहाँ से आउटपुट निकालने के बाद इस LVR पे आता है,
ये जो आपकी लगी होती है, एक प्रोटेक्टर आईसी लगी होती है यहाँ पर आता है, जिससे ये सेंस करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग सप्लाई आउटपुट आ चुकी है। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद इसमें इस तरीके से आउटपुट होगा, और ये निकलने के बाद आपका चला जाएगा बैटरी कनेक्टर के प्लस पे, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो मैं फिर से आपको यहाँ से समझाता हूँ। तो ये जो आपके यहाँ से जब करंट आता है, ये 5 वोल्ट करंट आपका इन हो जाता है। तो 5 वोल्ट करंट इन होने के बाद इसमें दो आउटपुट होते हैं। एक तो आपका पहला आउटपुट होता है जिसको हम लोग VPH आउटपुट बोलते हैं। ये VPH यहाँ से निकलेगा, सप्लाई कॉइल पे जाएगा, कॉइल पे जाने के बाद ये सप्लाई दोबारा फिर चार्जिंग IC पे, उसी IC पे रिटर्न आती है और सब जगह पर चली जाती है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ से जो ये सप्लाई जो निकली थी VPH सप्लाई थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो सप्लाई निकलती है ये आपकी VBAT सप्लाई होती है। ये VBAT सप्लाई जो बैटरी चार्जिंग होने के लिए आती है, और बैटरी चार्जिंग होने के बाद इस पॉइंट से होते हुए अगर आप देखेंगे यही सप्लाई आगे ट्रांसफ़र कर देगा, बीच में LVR लगा होता है, उसके बाद ये सप्लाई फिर तुम्हारी चली जाती है, ये सप्लाई चली जाती है तुम्हारे बैटरी कनेक्टर के प्लस पर। ये बैटरी कनेक्टर का ये वाला हिस्सा तुम्हारा माइनस का होता है, और ये थर्मिस्टर होता है, एक इसमें ID होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे बिट मैप के माध्यम से हम लोग भी मोबाइल फ़ोन के सर्किट को चेक कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के ट्रैक को चेक कर सकते हैं। तो ये ये जो हमारा बिट मैप जो होता है, ये बिट मैप हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके माध्यम से हम जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी ट्रैक ख़राब हो जाता है, कोई पॉइंट ख़राब हो जाता है, कोई सप्लाई ख़राब हो जाती है, या कोई लाइन ख़राब हो जाती है, तो किसी भी लाइन को आप पॉइंट को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ही बात, इस लाइन को चेक करना, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा ये लाइन कहाँ जा रही है, ये सप्लाई कहाँ जा रही है, इसका ये पॉइंट कहाँ पर है। अगर आप देखिए, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि मान लिया मैंने मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक को चेंज किया, चार्जिंग जैक चेंज करते समय हमको मान लिया प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लिया या नीचे का UI का कनेक्टर चेंज किया, UI कनेक्टर चेंज करते समय मान लिया इसके 2 प्रिंट उखड़ गए। तो जब 2 प्रिंट उखड़ गए तो हमारा दिमाग बड़ा टेंशन में आ जाता है, 2 प्रिंट उखड़ गए, ऐसा कहाँ से जंपर मारेंगे, कहीं काम का आए कि नहीं काम का है। तो अच्छा, बिट मैप से ही हमको बड़ी हेल्प मिल जाएगी, और तुरंत उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो पॉइंट काम का है कि नहीं काम का है। देखिए, तो जैसे मान लिया 2 उखड़ गए, तो आपने मान लिया यहाँ पर क्लिक किया तो ये बता दिया 1, 2, 3, 4, 5, अरे ये तो सारे पॉइंट एक ही है। तो अगर 2 पॉइंट उखड़ जाता तो इसके बाकी 3-4 पॉइंट दिए हुए ना, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लिया तुम्हारा कल को ये वाला प्रिंट उखड़ जाता तो आप समझ जाएंगे इसके लिए, अच्छा ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, और दोनों पॉइंट की सप्लाई कहाँ पर जा रही है, रेजिस्टेंस पर जा रही है। तो कल को अगर मान लिया तुम्हारा कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इस जैक को लगा दीजिए। जैसे जैक को लगा देंगे तो इस रेजिस्टेंस से उठा करके आप यहाँ पर जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में लाइन चालू हो जाएगी। तो इससे क्या रहता है कि आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, ये हेल्प मिल जाती है कि आप उसके लाइनों को कनेक्शन को कैसे कर सकते हैं। अगर प्रिंट उखड़ जाता है या रिपेयर करते समय कोई ट्रैक ब्रेक हो जाता है तो वो हमको पूरी बड़ा हेल्प करता है, और नए अनजान लोगों के लिए अगर इतना हेल्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बिट मैप के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में आने वाली समस्या को कैसे रिपेयर किया जाता है, और Redmi Y1 के ऊपर मैंने चार्जिंग का तरीका मैंने आपको समझाया है। आप वीडियो को देखें, और वीडियो को अगर पूरा और भी डीपली से देखना चाहते हैं तो उससे संबंधित और भी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकली दिक्कत आती है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल सजी इसी तरीके से पूरा 45 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपको बेसिक फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, टैबलेट्स, जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कैटेगरी में जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको सिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। पूरा थ्योरेटिकल भी समझाया जाता है, उससे कॉन्सेप्ट भी समझाया जाता है, अंदर का सीक्वेंस भी समझाता है कि कैसे मोबाइल फ़ोन काम करता है, कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में, मोबाइल फ़ोन के आने वाले जितने सारे फॉल्ट होते हैं सभी फॉल्ट के बारे में डीपली आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, ओके।